मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोभा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज जमेर, आपके रूबरू हूँ। आज हम उर्दू के मशहूर नावेल तोबुतुन नसूह के किरदार मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तोबुतुन नसूह एक इस्लाही नावेल था, हालांकि इसका मरकजी किरदार कलीम है, लेकिन मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ये भी एक इसका अनोखा और मजाहिया किरदार है। इसकी हैसियत वैसी ही है जैसे फसाना आज़ाद में खूजी की थी। ज़ाहिरदार बेग बज़ाहिर एक मामूली सा मुलाजिम है, लेकिन उसे नवाब कहलाने का शौक है, इसलिए वो दुनिया को ये कहता है कि मैं बड़ी कोठी का मालिक हूँ और मैं नवाब हूँ, नवाबी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। यानी कलीम को भी ये अपनी इसी तरह की बातें कह कहकर मुब्तला गलत फहमी कर देता है। कलीम सोचता है कि मेरा दोस्त एक नवाब है, मैं अपने वालिद की रोज़ रोज़ की नतीहतों से परेशान हूँ, लिहाजा अगर मैं घर छोड़ के जाऊँगा तो मेरा दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ही मेरी मदद कर देगा। लेकिन पता ये चलता है कि ज़ाहिरदार बेग तो खुद एक अदना सा मुलाजिम है। ज़ाहिरदार बेग का किरदार वो किरदार है जो ज़िंदगी की हकीकतों सदाकतों का सामना नहीं करता, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद को आला ख़ानदान से बताता है। मौलवी नज़ीर अहमद ही बताना चाहते हैं कि इंसान किसी ख़ानदान में पैदा हो, उसके अखलाक, उसकी तालीम और तरबियत से वो बड़ा बनता है। इंसान को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, जो है वही बताना चाहिए, उससे इंसान का वक़ार और इज्जत कायम रहती है। लेकिन ज़ाहिरदार बेग को इसकी ज़रा फिक्र नहीं, उसको ये भी अंदाज़ा नहीं कि जब उसका राज खुलेगा या भांडा फूटेगा तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन वह झूठ का सहारा दे लेकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर लोगों को मुब्तला गलत फहमी करता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसकी सच्चाई कलीम पर भी जाहिर हो जाती है। कलीम बड़ा दुखी होता है कि मैं जिस पे भरोसा करके आया था वो मेरा सहारा नहीं हो सकता। कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिरदार बेग वैसा ही है जैसे नवाबों के या मुसाहिबीन हुआ करते थे, मुफ्त खोर जो उनकी झूठी तारीफ़ और तौसीफ़ करके इनाम और इकराम हासिल करते थे। लेकिन ज़ाहिरदार बेग के किरदार ने इस नावेल में लुत्फ अंदोज़ी पैदा कर दी है। वो जिन वाक़यात के पेशे नज़र नावेल में ज़ाहिर होता है उससे उनकी अहमियत बढ़ जाती है। वाज़े हो के उस ज़माने के किसी भी ड्रामे में नावेल में एक ऐसा किरदार ज़रूर होता था, खूजी या ज़ाहिरदार बेग जैसा, ताकि उस नावेल की अहमियत, उस तख्लीक की अहमियत बढ़ जाए। आज की नशस्त में इतना ही, आइंदा फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे।